क्वेश्चन नंबर 18, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच केस, एन एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट विथ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। अब देखो Ag plus in silver electrode, तो क्या है Ag plus electron to Ag E0 क्या है 0.80, ठीक है। H plus aqueous solution है plus electron to half of H2, मतलब E0 है 0, तो ये हायर वैल्यू है तो इसका रिडक्शन होगा। ये दिस रिएक्शन हाई वैल्यू ऑफ E0 टेक्स प्लेस कैथोड, देयरफॉर कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, मतलब के सिल्वर का डिपोजिशन होगा, इस फर्स्ट रिएक्शन पे सिल्वर का डिपोजिशन होगा। सेकेंड वाल देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNH2 विद प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, फिर है Ag plus इलेक्ट्रॉन टू Ag, तो E0 है 0.80, फिर इसमें एक्वस सॉल्यूशन मतलब H+ इलेक्ट्रॉन टू हाफ H2, मतलब 0.0 है E0 वैल्यू, तो इसमें भी हायर वैल्यू ऑफ E0 टेक्स प्लेस एट कैथोड, इट हैज अ हायर वैल्यू, मतलब के Ag+ Ag ये रिएक्शन कैथोड पे होगा, मतलब इस पे भी डिपोजिशन ऑफ सिल्वर होगा। सिंस प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट, द एनोड इज नॉट अटैक्ड बाय NO3 पॉजिटिव आयन, दे आर फॉर HO- और NO3 नेगेटिव आयन कैन बी ऑक्सीडाइज एट कैथोड, बट हाइड्रोक्साइड आयन्स हैविंग अ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड गेट प्रेफरेंस एंड डिकम्पोजेस टू लिबरेट ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीजन लिबरेट करेगा कैथोड पर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन आयन लिबरेटेड होगा। अब देखो नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H+ आयन है, हाफ H2, इसका होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.00। अब एनोड पे देखो वाटर का ये रिएक्शन पॉसिबल है, +4 इलेक्ट्रॉन विथ E0 वैल्यू 1.23 वोल्ट, अब SO4 2- भी है जो H2O6 2- भी फॉर्म कर सकता है, SO4 2- से H2O4 2- भी फॉर्म हो सकते हैं, E0 वैल्यू होगा 1.96। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 1 इज प्रेफर्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, बट फॉर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन दिस रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन लिबरेशन इज प्रेफरेबल। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, अब देखो कॉपर क्लोराइड मतलब कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, E0 रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, फिर H+ इलेक्ट्रॉन टू हाफ H2O, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0, रिएक्शन विथ हायर वैल्यू, हायर रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, मतलब के कॉपर डिपोजिशन होगा एट कैथोड, कैथोड पे कॉपर डिपोजिशन होगा। अब देखो कॉपर के साथ साथ क्लोरीन भी है यहाँ पर, तो क्लोरीन के लिए क्या है, क्लोरीन नेगेटिव 2½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.36, फिर वाटर भी है, वाटर से ऑक्सीजन 4H+4 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 है 1.23, एट एनोड रिएक्शन विथ अ लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, ठीक है,
इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36, इसका 1.23, मतलब बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl- माइनस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड टू प्रोड्यूस Cl2, मतलब क्लोरीन प्रोड्यूस होगा एनोड पर।